भारत की शुमाल मशरकी रियासत सिक्किम की सरहद पर भारतीय और चीनी फौज की झड़प के दौरान मुतादिद फौजी जख्मी हो गए। चीन और भारत के दरमियान तिब्बत से मुतसिल सरहद पर गश्त के दौरान दोनों मुमालिक के फौजी आमने सामने आ गए और इनमें पहले सख्त जुमलों का तबादला हुआ, जिसके बाद बात हाथापाई तक जा पहुंची, जबकि भारतीय और चीनी फौजियों ने एक दूसरे पर पथराव भी किया है। तसादुम के नतीजे में दोनों मुमालिक के मुतादिद फौजी जख्मी हो गए। मामले का इल्म होने पर चीन और भारत के फौजी हुक्काम में राबता हुआ और बाहिनी मुज़ाकरात के बाद सरहद पर सूरत हाल मामूल पर आ गई। भारतीय फौज की मशरकी कमान के तर्जुमान मनदीप ओदा ने तस्दीक की है कि मामला मकामी सतह पर मुज़ाकरात के बाद हल कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि वाकई में दोनों इतराफ के फौजी जख्मी हुए, ताहम कोई भी शदीद जख्मी नहीं हुआ है। चीन और भारत के दरमियान तवील सरहद मौजूद है और दोनों में सरहदी तनाजा भी पाया जाता है। बुलंदी पर वाक़े बॉर्डर पर अक्सर और बेशतर दोनों ममालिक के फौजी गश्त के दौरान आमने सामने आ जाते हैं। सरहदी तनाजे के बायस ही दोनों ममालिक के दरमियान 1962 में एक जंग भी हो चुकी है।